जी नाज़रीन, इस वक्त हम दरा खैबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी हम आपको दरा खैबर दिखाएंगे भी। नाज़रीन, इस वक्त हम बाबे खैबर पे पहुंच चुके हैं और हम आपको बाबे खैबर दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बाबे खैबर की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबे खैबर, दरा खैबर का दरवाज़ा इस वक्त हमारे सामने है और आप देख सकते हैं कि गाड़ियां गुजर रही हैं। खूबसूरत मनाज़र। और इस तरफ पहाड़ों का एक खूबसूरत सिलसिला। ये दरा खैबर की तारीख जो है यहाँ पर लिखी हुई है। ये देखें, ये वो रास्ता है जहाँ से सिकंदर आजम भी हमला आवर हुआ था और यकीनन तौर पर दरा खैबर का ये तारीखी रास्ता हमारा एक मुश्तरका सकाफती विरसा है। ये देखें, इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि किस तरह 1849 में बरतानवी फौज का दस्ता पेशावर में पहुंचा और उस वक्त यहाँ पर राजा रणजीत सिंह की हुकूमत थी जो कि ख़त्म हुई और उसके बाद ये इलाका अंग्रेज़ों की अमलदारी में आ गया। सिखों के साथ अफगानिस्तान की दूसरी जंग के बाद ये इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आ गया और इस हवाले से ये बहुत ही तारीखी रास्ता है जहाँ से अंग्रेज़ और सिख दस्ते जो है वो अफगानिस्तान पर हमलावर होते रहे और यहीं से बैरूनी हमलावर बरसगीर पाक और हिंद पर हमलावर होते रहे और इस हवाले से ये एक तारीखी दरा है जो हम आज आपको दिखा रहे हैं। ये दरवाज़ा जो है वो पेशावर के ऐन मगरब में वाकया है। ये दरा आपको बताता चलूँ कि पहाड़ों के अजीम सिलसिला कोहे सुलेमान में वाकया है। आप देख सकते हैं कि पीछे कोहे सुलेमान के जो पहाड़ हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये कदीमी किला है, पत्थरों और कच्ची मिट्टी से बना हुआ, ये भी आपको नज़र आ रहा है। नाज़रीन, ये नक्शा है दरा खैबर का जो यहाँ पर
बनाया गया है और रूट दिखाया गया है कि किस किस तरह से ये दर्रा जो है वो पेशावर और फिर अफगानिस्तान में दाखिल होता है। ये पेशावर में दाखिल होने का दरअसल दाखिली दरवाज़ा है और यही वो दर्रा है जहाँ से महमूद गाजनवी और शहाबुद्दीन भी बरसगीर पर हमलावर होते रहे हैं। मुगलों ने भी इसी दर्रा के जरिए बरसगीर पर हमला किया था और यहाँ पर कब्जा किया था। तो इस हवाले से ये एक तारीखी दर्रा है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, अभी हमने आपको विजिट करवाया है पेशावर का मशहूर दर्रा खैबर। सदियों की तारीख वाबस्ता है इस दर्रा खैबर के साथ। बैरूनी हमलावर यहाँ से हमलावर होते रहे हैं बरसगीर पाक और हिंद में, और यहीं से सिख और अंग्रेज फौजें जो हैं वो अफगानिस्तान पर हमलावर होती रही। यकीनन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।